जादू करते सो वक्त रहमत अली का क्या लिए थे? शर्ट, चप्पल, कपड़ा, मट्टी, क्या लिए थे? चाडी लिए थे, उसकी चाडी लिए थे। चाडी कौन से कलर की थी? वो चॉकलेट कलर की। कहाँ से चुराए थे? बाहर घर पे बाहर कपड़े डाले थे वहाँ पे। अच्छा, दिन के वक्त चुराए, रात के वक्त? दिन के टाइम। क्या टाइम हो रहा था जब चुराए? असर के वक्त। चुराने को कौन गए थे? लड़कियाँ, आदमियाँ, बच्चा, कौन गया था? नाम नहीं पूछा। औरत गई थी। कितने लोग मिले वाले हैं? 100 आदमियाँ, सब मिले वाले कर निकल उडल करने को? दो जने मिले। अच्छा, इसको बाद में दवाई कई में ला को खिलाए? और से बोल। नहीं करता भाई। क्या क्या परेशान कर रहा था उसको? तेरी जबानी बयान कर। क्या क्या कर रहा था छोकरे को परेशान? हाँ, क्या क्या परेशानी कर रहा था बच्चे को? जोर से बोल। क्या कर रहा था उसको? बहुत परेशान कर रहा है इसको। हाँ, क्या क्या परेशानी डाला सो उसको? बहुत परेशान कर दिया है इसको। क्या क्या डाला? वो इतर उठा के ढक्कन लगा कर रखो, गिरेगा वो। हाँ, क्या क्या परेशान करा? बहुत परेशान कर रहा है इसको। हाँ, उसके काम खराब कर दिया, पैसा हाथ में नहीं अंदर सो उसके। हाँ, बेकारी कर दिया उसको, पूरा बर्बाद कर दिया। घरों में भी लड़ाई लगा रहा था। कितने साल से परेशान कर रहा था तू उसको? क्या नाम है इसका? जोर से बोल। हाँ, रहमत अली को क्या क्या बीमारियां भी लगाने वाला था? परेशान कर दिया भाई इसको। हाँ, लास्ट में बाथरूम से भी खून जा रहा था। अच्छा, बाथरूम में खून भी गिरा रहा था उसका? जोर से बोल, कहीं कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, उसको बाथरूम में खून गिराने की भी बीमारी लगा दिया था? हाँ, और क्या तकलीफ दे रहा था? बहुत तकलीफ दिया हुआ इसको, पूरा बर्बाद, खाने को, पीने को, कुछ भी परेशान, सब मोहताज कर दिया उसको। एकदम बच्चे भी तो पूरा भूखे मरे थे। अरे रे, उसके बच्चों को भी भूखे मारा, इतना परेशान कर दिया। और तुझे लाए थे कहाँ से? शमशान से पकड़ के लाए, कब्रस्तान से लाए। तुझे पावर कहाँ से मिल रहा था? शमशान से, कब्रस्तान से? हाँ, बोलने तो अभी फौज को बुला के दो टुकड़े कर, तेरे बाहर टांग दूंगा। हाँ बोल जल्दी। कहाँ से लाए थे? जोर से। अरे जोर से बोल रहे, आवाज लगा के। कहाँ से लाए थे? कितना वक्त हुआ सो लाखो? एक साल हो गया पूरा। एक साल होगा? एक साल से पुलिस का उसको बर्बाद कर दिया। अच्छा, मैं उसका नाम नहीं पूछा अभी, किसने जादू करा सो? मैं उसका नाम नहीं पूछा अभी, मैं नाम आगे पूछूंगा। सिर्फ मुझे इतना बता, वो औरत थी कि आदमी था? कौन था वो जादू करने वाला? हाँ, कौन था वो औरत थी आदमी? अच्छा, इसका रिश्ते में है क्या वो? क्या दोस्ताने में? रिश्ते में जिसके? कौन से तरफ के रिश्ते में? औरत के खानदान के या माँ बाप के खानदान को? बाप के खानदान से। बाप के खानदान को का है? अच्छा, उन जादू करते सो वक्त क्या नाम है छोकरा का? रहमत अली का क्या लेको गए थे जादू करते सो वक्त? हाँ, क्या लेको गए थे जादू करते सो वक्त? रहमत अली का क्या लिए थे? शर्ट, चप्पल, कपड़ा, मट्टी, क्या लिए थे? चड्डी लिए थे, उसकी चड्डी लिए थे। चड्डी कौन से कलर की थी? वो चॉकलेट कलर की। कहाँ से चुराए थे? बाहर घर पे बाहर कपड़े डाले थे वहाँ पे। अच्छा, दिन के वक्त चुराए, रात के वक्त? दिन के टाइम। क्या टाइम हो रहा था जब चुराए सो? असर के वक्त। चुराने को कौन गए थे? लड़कियां, आदमियां, बच्चा, कौन गया था? नाम नहीं पूछा। औरत गई थी। कितने लोग मिले वाले हैं? 100 आदमियां, सब मिले वाले कर निकल उडल करने को? दो जने मिले। अच्छा, इसको बाद में दवाई कई में ला को खिलाए थे इसको छोकरे को? हाँ, दवाई कई में ला को खिलाए थे इसको?
कौन सा खाना था वो? खीमे में था। खीमे में कहाँ खिलाए? उनके घर को बुला को, इसके घर को? उसके घर को बुला, किस खिला? उसके घर को। वो दवाई कहाँ से लाया था? शमशान से, कब्रस्तान? शमशान से लाया था। अच्छा, कौन से गांव का शमशान था वो? वो नहीं मालूम, ले मालूम। और एक सवाल, वो इसको मारने का सो अम्मास पुन्नम हाँ कब मारने का है? अम्मास के टाइम। जोर से बोल शैतान। अम्मास के टाइम। जोर से बोल अगला। अमास को बहुत परेशान करा भाई इसको, बहुत। हाँ। अमास को बहुत परेशान करा इसको भाई। हाँ, अभी इसकी जान लेने का है। नहीं हो रहा था उसका, कुछ नहीं हो रहा था, सब वो कर दिया मैं इसका। हाँ। इसको मैं कुछ नहीं रखा उसका। मारने का कैसा है? सुसाइड करा को, बीमारी करा को, एक्सीडेंट करा को? बीमारी में कौन सी बीमारी बता को मारने का? पेट में बीमारी डाला था बस। कौन सी बीमारी? बाथरूम के जगह खून बहुत जा रहा था। अच्छा, बीमारी लगाया सो बीमारी लगी। जकड़ो उसको, नाला को आग लगाओ। अभी तक कितने इंसानों को मारा? अभी तुझे पकड़े सो शमशान से पकड़े तो तू शैतान की नस्ल से जिन्नात की के इंसान? शमशान की से। अच्छा, मरे वाले इंसान की नस्ल है कि शैतान की? मरे वाले इंसान से। अच्छा, मरने से पहले क्या नाम था सो तेरा? नहीं मालूम। भुलक्कड़ शैतान। ऐसा कैसा लोगों को परेशान कर रहा हूँ मैं आके? हाँ, मुंह पे हाथ मार को, तोबा करो दोनों, जोर से चीख लगा को, तोबा 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 बंद कर ले, परेशान कर, पीछे से जाके ले सब। हां, जोर से कर तो, परेशान ले करता इसको, परेशान ले करता, जोर से तोबा तोबा कर, परेशान ले करता मैं इसको, परेशान ले करता, परेशान नहीं करता इसको, चीख लगा के तोबा तोबा बोल, तोबा तोबा, परेशान नहीं करता इसको, परेशान नहीं करता, हाथ खतर दूंगा जोर से, परेशान नहीं करता, हटा के बोलता हूँ, परेशान नहीं करता, चीख लगा जोर से, परेशान नहीं करता, परेशान नहीं करता, तोबा तोबा बोल, तोबा तोबा, जोर से चीख लगा को, तोबा तोबा, मैं परेशान नहीं करता इसको, परेशान। अब क्या कर, अब जाके दूसरी चक्कर में तू सब याद करके आएगा, सुना ना? दूसरी चक्कर में हम तुझसे नाम पूछेंगे, ना लायक ना मकूल तुझे कौन ताले से, तो समझ गया ना? और क्या क्या तेरे मकसद थे हम आगे पूछेंगे। चल अब जा, चल जा बाहर, निकल उसके अंदर से। दवाई काट की सो दिमाग में, पेट में अटकी वाली है वो, खिलाए वाली, पेट में अटकी वाली, पेट में है। चल जा, छोड़ दो छोकरे को, निकल जल्दी। हाँ, पानी दो। ए, इसका क्या नाम है? रहमत अली। अरे रहमत अली, अरे रहमत अली, पानी पियो। आए रहमत अली, पानी पियो। तो ये पानी सुबह शाम दो तीन टाइम उसके मुंह पे मारते रहना, हर नमाज के बाद में 7 बार रतन कुर्सी, 7-7 बार चारों कुल पढ़ो, दम करके मारते रहना, वो पिलाते रहना उसको, दम करा करा को, ये वाला। हाँ, इधर नजदीक ला कैमरा में। तो ये जो मामला है ये उसको खुद ब खुद लगा हुआ नहीं है, उसने बयान किया अभी, उसके अंदर जो शय थी तो वो शय ने बताई कि उसको बहुत परेशान कर दी 1-1.5 साल एक्स वाई जेड, उसने उसमें क्या बोला तुम सुन लो। देखो लोगो पाखंड, अरे कमबख्तो, तुम्हारी नालायक हो तुम, कैसा है लुमनियात को मानने वाले है ना, वो लूसीफर को जूती पे मारता मैं, जूती पे तुम्हारे लूसीफर को, क्योंकि हम अल्लाह अल्लाह को मानने वाले लोग है और अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले लोग हैं, लूसीफर वो तुम्हारा जो शैतान है उसको जूती पे मारते हैं, समझे ना। और एक बात क्या बोलते सो, वो तुम जो भाई क्या बोल रहा है सुनो वाला, तो जूती में मारते हैं वो तुम्हारे लूसीफरों को, शैतानों को, नालायक हो क्या समझ रहे हो तुम, ढोंग दिख रहा तुम, आपको कैसा ढोंग है देखे, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है, ये कुरान में करीम का मुअज्जज़ा है। क्या बोला उसने उसके आंग में आके, उसको बीमारी को डाल के खत्म करने वाले थे, अब जो भी बीमारी लगाए थे वो भी बयान करा उसने, खून बहने की क्या करने की। अब मैं तो मेरे जबानी नहीं बोला और ना मैं मेरे पास का उसको पानी दिया, ना मेरे पास की कोई चीज, उन्हें लाया मैं दम करके दे दिया उसको, देखे ऐसी रहती अल्लाह के कलाम की ताकत। और दूसरी बात कि वो जिसने भी करा कौन लोग थे, बैठो बिछड़ो,
कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्या क्या मामलात करे, वो सब आगे पूछाऊंगा इंशाल्लाह ताला तफसील के साथ में सेकंड राउंड में। कुछ खीमा कुछ बोला उसने, उसके अंदर उसको क्या खिला है, वो सब बातें हैं। कैसा रहता जो ना मांगे सी वो दर दर मांगे भीख। और एक बात कैसी रहती भाई, हर चीज का एक माहिरीन होता, हर चीज का एक प्रोफेसर होता। मैं क्या करूंगा, स्कूल में जाऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा, और कॉलेज में मैं गणित के प्रोफेसर के पास जाके बोलूंगा कि मेरे को गणित नहीं सीखना, हिस्ट्री सिखाओ। तो बोलेगा वो तो दूसरा प्रोफेसर है भाई, उसके पास जाना पड़ेगा ना आपको सीखने के लिए। तो ऐसे हर चीज़ का एक मुखर दायरा है और उसके अंदर एक माहिरीन है, उसके पास तुमको जाके हल करना पड़ेगा। सिर दुख रहा तो पेट के दर्द की गोली नहीं खा सकते, हड्डी दुख रही तो आर्थोलॉजिस्ट को बताना पड़ता, न्यूरोलॉजिस्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। हार्ट में दर्द है तो हार्ट स्पेशलिस्ट को बताना पड़ेगा, आई स्पेशलिस्ट को बताएंगे तो नहीं जमेगा ना। तो हर चीज का एक माहिर, डॉक्टर तो सबके नाम के आगे डॉक्टर ही है ना, हर डॉक्टर डॉक्टर ही बोलेगा। मगर आँख का अलग है, कान का अलग है, दांत का, टीथ का अलग है, पेट का, स्टमक का अलग है, हार्ट का अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, अर्थोलॉजिस्ट अलग है, सब अलग है ना भाई। मैं किसका नहीं जाके कुछ भी बोलूंगा तो फिर वो बोलेंगे ये मेंटल होगा ये पेशेंट, इसको सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल भेजो। तो इसलिए बेहतर है कि हर चीज में अल्लाह ने एक दायरा बनाया, वो दायरे के अंदर एक माहिरीन को मुकर्रर कराया, तो उसके पास जाएंगे, उसके उसके माहिरीन उसके उस्ताद के पास जाएंगे तो हटेगा वो निकलेगा। कोई भी चिंदी चोरों के पास क्या बोल रहा है ये, एक मिनट रोक रहे जरा, बाद में क्या बोलते। तो ये सब ऐसे दास्ताने हैं, ये तो बहुत कुछ बातें हैं, दिल से तो नहीं बयान करूंगा, सामने देख लिए ना मैं एक ऐसी दास्तान है, यहाँ पर अल्लाह ने दिया लिया, अल्लाह के बंदो करम से ऐसा मामला चलता, जो भी मामला है तुम्हारे जबान से मेरे सामने आता, चाहे वो तुम्हारा कहीं हाजिर हो या ना हो, यहाँ उसको आना ही पड़ता और यहाँ उसको सवाल करना ही पड़ता, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम की ताकत है और ये अल्लाह के कलाम इलाही का मुअज्जज़ा है। बंदा क्या कर सकता, बंदे की क्या मिसाल है। और एक बात याद रखना लोगो, तुमको मैं बार बार यही बोलता, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, मोमिन बंदो भी गौर से सुनो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करेंगे तो तुम्हें वबाओं से बलाओं से हर चीज से महफूज रहेंगे। अरे तुम दुनिया के वबाओं में इतने परेशान हो जा रहे हो तो तुम खबर के आजाब को कैसा बर्दाश्त कर सकेंगे, वो तो बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए पनाह मांगो अल्लाह से, खबर भी दिन में सबकी कई बार तुमको आवाज लगाती और कई बार याद करती, बोलती कि तुझे यहाँ आना है, भूलू मत, हर किसी की खबर है और हर किसी को खबर के लिए जाना है। मगर ऐसा मामला बनाओ, ऐसी दास्तान करो इबादत कि अल्लाह और उसके रसूल की अतात में इतने खो जाओ कि तुम उसके हो जाओ और वो तुम्हारा हो जाए। जब वो तुम्हारा हो जाएगा रब्बुल आलमीन तो फिर क्या खबर का आजाब और क्या जहन्नुम, तुम जहन्नुम में डालो तो जहन्नुम ठंडी हो जाएगी। तो वैसे तरीके से जहन्नुम गया तो वैसे तरीके वाले इंसान बनो ना। ये क्या हरकता है, एक दूसरे के ऊपर जादू आकर रहे, नमाजा नहीं पढ़ रहे, इबादत नहीं कर रहे, चोरिया चकारों में दिल लग रहा तुम्हारा, चुगल कोरियों के अंदर चुगलिया करने में दिल लग रहा तुम्हारा, बदकारियों में दिल लग रहा, ये कैसा तुम्हारे दिल के अंदर शैतान काबिज हो गया और दिल पे काबू पा लिया तुम्हारे। अरे दिल को नूर से भरो, अल्लाह की तरफ रुजू हो, अल्लाह वाले बनो, अताअत करो रब अजीम की, वो जिसने तुमको पैदा किया वही खालिक है, वही मालिक है, वही रब काबा है। तो वो तुम्हारी को फिर मैं बयान नहीं कर सकता इतनी नियामतों से नवाजी का, और क्या बोलूँ मैं, बस इतना ही बताऊंगा। बार बार यही मेरा कहने का मकसद रहता कि तुम इबादत करेंगे तो हर चीज़ों से महफूज रहेंगे। कहाँ से आए थे, जोर से बोलो, हैदराबाद। कितने बार हाजिर हुआ पहले, हाँ बोले करे सो है, बोले खाली लोग आने कहीं हाजिर हुआ के तीन जगह में, जोर से बोलो दुनिया सुन रही है। कौन बोले, शैतान बोला, लोग बोले, इलाज वाला बोला, सो तीन जगह दिखाए थे। कितने साल में तीन जगह दिखाई, साल भर में तीन जगह दिखाई, साल भर में तीन जगह उन्होंने बताया और तीन जगह में कहीं हाजिर नहीं हुआ, किसी के पास हाजिर नहीं होता, शैतान की गिनता नहीं, क्योंकि शैतान बोलता तुम्हारे से ज्यादा ताकत उसकी है और यकीनन उसको भी अल्लाह ने बहुत ताकत दिया है, वो भी अल्लाह का जो गुलाम और मोहताज है, मगर फिर भी तो अल्लाह ने उसको ताकत दिया ना, उसकी ताकत कहाँ जेरूंगी, अल्लाह के कलाम के सामने जेरूंगी ना। और इन्होंने बहुत जगह बताया तो वहाँ हाजिर नहीं हुआ, वहाँ लोगों ने सिर्फ इतना बोले कि तुम पे करे वाला है मियां, ऐसा ऐसा कर दो, राइट हो जाता, इतना इतना हर जाना भर दो, वहाँ हर जाने भरे होंगे, सब करे होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। 20,000 रुपए दिया, हाँ 20,000 दिए, क्या क्या दिए, 100 लोगों को, वो
क्या भी हाजिर ने वहां पे क्या भी सवाल जवाब ने। यहाँ देखे यहाँ आने के बाद कैसा हाजिर होता और कैसा सामने आता, यहाँ इन्नमल आमालु बिन्नियाति, तुम्हारे नियत पर दारोमदार। तुम अगर लड़ने की नियत रख के मेरे सामने आके बोलेंगे हमको कौन करा नाम बताओ, हम बीमार क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, जुलावाज क्यों, रेपेटिज क्यों दुख रहा, सीरीज क्यों दुख रहा, जो भी है तो यहाँ सामने आके बयान करेंगे। मगर लड़ने की नियत रही तो सामने नहीं आएगा फिर वो जिसका नाम नहीं पड़ा। खाली सोला खाली, और काम के लिए भी कई भी काम। तो बोला ना उसने तुम्हारे कोई काम आ इनके आन में आ रहा, तो बोल रहा था हमको। अच्छा मैं सवाल कर रहा था तो मेरी आवाज सुनी आ रही थी क्या अंदर? दिल दिमाग को काबू में ले लिया था उनके पूरा, इसलिए आवाज सुनी आती अंदर मेरा। वो बहुत सारे राजे आगे बताऊंगा, मगर उनको कोई काम नहीं करने दिया आज तक उसने सा बयान करा ना भाई, मैं मेरे जबान ही थोड़ी बोल रहा हूँ। अब एक ही तरीके है, इबादत करो, इबादत से तो सब हल होता। और दूसरी बात क्या पकाता है? हमारे सालों का सिखा। अच्छा अच्छा, कब सीखे थे? लॉकडाउन में सिखा, पहले सेल्समैन की रूटीन करता। भाई अभी शैतान को दुश्मन ही पूछना भूल गया, आगे के चक्कर में पूछूंगा और आगे के चक्कर में नाम भी पूछा दूंगा लोगों। तुम एक दूसरे के ऊपर जादू टोना कर रहे हो और तुम ये सोच रहे कि हमारा नाम नहीं निकलेगा, बिल्ली दूध पी रही आंखें मुझ के पता नहीं चलेगा। मैं बिल्ली को देखूंगा भी और सारी दुनिया को भी दिखा दूंगा तुम्हारा नाम क्या हरकत कर रहे, तुम क्या समझ के कर रहे। मत जाओ इसके नजदीक, मोमिन बंदो मुसलमानो, तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गर्क हो जाएगा, फिर तुम कुछ ही नहीं बचे, तुम दीन के ना दुनिया के बचे गए, फिर तुम शैतान के साथ में साथी बन के फिर जहन्नुम में जाएंगे तुम। अरे बाबा बहुत बातें हैं बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं। हाँ तुम्हारे को दो हथियार बहुत बड़े दिया ले अल्लाह ने, मुसलमानों तुम्हारे को अल्लाह ने बहुत बड़े दो हथियार दिया ले। एक हथियार है तुम्हारे पास में इबादत, 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 और इबादत के अंदर ही तुम्हारे जो दो हथियार, एक दुआ और बद्दुआ। तुम अगर किसी के वास्ते बद्दुआ कर देंगे तो वो बद्दुआ उसको गर्क करे तक बादशाह को भी गर्क कर देती, उला के जमीन पे गिरा के उसको पश्त करके हलाक कर देती। और तुम अगर किसी के हक में दुआ कर देंगे, वो भिखारी है तो उसको बादशाह बना देती है दुआ। अल्लाह के फजल व करम से तुम्हारी दुआ को तो भी जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता अगर उसके साथ दरूद शरीफ नहीं है तो। तुम अगर वहा ये जो बोल रहे नाच कर, अरे बहुत सारे जमात आने वाले नालायक हैं, इंशाल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे तुम्हारे दीन ईमान की सबकी। दरूद शरीफ क्या पढ़ने का, ज्यादा नहीं पढ़ने का, माशाल्लाह से बातें कर रहे। दरूद शरीफ अगर नहीं पढ़ेगा नालायक तो तेरी दुआ को उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का कौल है जमीन और आसमान के बीच में रोक दिया जाता। जब दरूद शरीफ रहेगा तो ही उसको ऊपर जान देते अर्श पे। खाली बद्दुआ एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट अर्श इलाही पे जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ने उसको बोला कि डायरेक्ट आने दो डायरेक्ट। तो इसलिए तुम किसी के भी हक में दुआ करो, बद दुआ करो, हक पे तुम बद दुआ करो उसको बराबर बद दुआ लगेंगी, उसको अल्लाह सजा देगा। तुम सजा देने के लिए अपने हाथ में अल्लाह का कानून लेंगे, जैसा तुम दुनिया का कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून को बोलकर ही कानून से सजा दिलाना पड़ता हो जिसने भी जुर्म करा, तो वैसा तुम अल्लाह को बोलो, अल्लाह सजा देगा उसको। तुम अगर बीच में जाकर बोलेंगे मनमाना करेंगे तो शरीयत को तोड़ेंगे और अपने हाथ में लेके उसको सजा देने की कोशिश करेंगे और तुम शरीयत के गुनाहगार हो गए, तुमको हशर में दुनिया में सब तरफ भरना पड़ेगा। बार बार एक ही बात मैं बताऊंगा तुम सब लोगों को कि इबादत के रस्से को मजबूती से थामो, तुम्हारी इबादत तुम ढाल बन के खुद बचा लेती और संभाल लेती है। और मोमिन बंदो मुसलमान हो, ये दौर ऐसा चल रहा फितना रंगेज, तुम बद्दुआ करो जालिमों के हक में और जालिम से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करो ऐसी कि कटोरा प्याला लो कांच का, सारी दुनिया मुखातिब होकर सुनो इधर मेरी तरफ कि तुम्हारे को आज बहुत जरूरी है ये वक्त से गुजर रहे। तुम एक कांच का प्याला लो, उसके अंदर तस्बीह डालो, उसके अंदर पानी भरो और पानी के अंदर से हाथ डुबा कर उसके अंदर आयते करीमा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। तस्वूर में रखो ये जो जालिमा तुम्हारे साथ मनमाना कर रहे, तो देखो मेरा रब उन पे कैसा आजाब नाजिल करता और कैसा उनको गर्क करके हलाक करता, उनको भागने को तक रास्ते नहीं मिलेंगे, उनके सारे दरवाजे बंद कर देता। कौन सा बुत परस्ती वाली शैतानी ताकत उनको आगे बचा सकती, देख लेंगे फिर जूती पे मार देते फिर शैतानी ताकतों को, ऐसी फौज भेजता फिर उन्हें आसमान से, क्योंकि शैतान खुद पनाह मांग के भाग जाता और वो जो जालिम जुल्म कर रहा हो गर्क और पना होके हलाक हो जाता। तुम करो तो सही, सब मिलके एक शक्ली बना के करो, कैसे आजाब नाजिल होता उनको भागने को रस्ते नहीं मिलेंगे, उन दुनिया वालों से लड़ सकेंगे, सबसे लड़ सकेंगे, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, कोई नहीं लड़ सकता कुदरत से। आज भी कुदरत की में इतनी ताकत है, मैं तो वो तो
बयान नहीं कर सकता। साइंस जो बोलता ना बड़े बड़े बातें, मैं इतना आगे चलेगा उतना साइंस खुद बोलता, खुद आज भी बोलता साइंस कि आग हवा और पानी तीनों से हम कभी नहीं लड़ सकते। साइंस बोलता हमने इतनी टेक्नोलॉजी कर दी है, हम चांद पे जा रहे, हम धरती को फिरने से रोक दे सकते पानी का डेमा बना के सब, लेकिन अरे इसको दो मिनट रुक बोलना जी नाला। तो कुछ भी हो जाओ तुम सब कर सकते, सिर्फ तुम रुको रुको अभी इसको बोलना होगा एक एंड, बाहर क्यों जा रहे। तो दूसरी बात, तुम सब कर सकते मगर आग हवा पानी तीनों पे कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। साइंस खुद बोलता ये कुदरत के अंदर आते, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता, कोई नहीं खेल सकता, सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। इबादत की रस्सी को मजबूती, सामो ज्यादा इबादत करो लोगो, चलो रोक दो।